Brought to you by cricket.com. मेरी यार मैं तो मस्त बोनस मिलते हैं। Register and get 2500 welcome bonus. खेलो असली fantasy on cricket.com. Download cricket.com now. खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। इस साल सबकी नजरें थी गुजरात टाइटंस पर, हार्दिक की एब्सेंस में गुजरात कैसा करती है, और सबकी नजरें थी शुभमन गिल पर। शुभमन गिल ने पिछले साल बल्ले के साथ आग लगाई थी, और शुभमन गिल इस साल कप्तान के तौर पर क्या करते हैं, तो शुभमन ही हमारे साथ स्पोर्ट्स तक पर, आज तक पर। और शुभमन, मैं जानता हूं कि इस वक्त ये बड़ा क्रिटिकल हफ्ता इंडियन क्रिकेट के लिए भी है, क्योंकि वर्ल्ड कप की टीम चुनी जानी है, और ये कहीं ना कहीं क्रिटिकल हफ्ता आपकी टीम के लिए भी है, क्योंकि गुजरात अब वहां पर खड़ा है जहां पर इसे अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी, एक टर्न अराउंड करना होगा। जी बिल्कुल, आई थिंक क्वालिफिकेशन और 5 मैच में से 4 जीत, आई थिंक हमारे लिए, हमने पिछले 2 सीजन में लगातार ऐसा किया है, कोई ऐसा नहीं है कि जो हमने नहीं किया, तो कोई ऑब्वियसली चैलेंजिंग रहेगा, बट उसी में मजा। सुमन, क्योंकि वर्ल्ड कप की टीम एक कॉर्नर में रहती है ना, कि उसके लिए जो परफॉर्मेंसेज हैं खिलाड़ियों की कैसी चल रही हैं, वर्ल्ड कप में सिलेक्शन को लेकर क्या चल रहा है, ऊपर से स्नेक्स एंड लैडर जो है वो आईपीएल में टीमों की परफॉर्मेंस का है, लेकिन आपका तजुर्बा एक खिलाड़ी के तौर पर, एक कप्तान के तौर पर कैसा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा अभी तक, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे अपने बारे में, प्लेयर्स के बारे में। जब आप एज अ प्लेयर खेलते हो तो आप सिर्फ सोचते हो कि इंडिविजुअली आप फील्डिंग में या बैटिंग में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो टीम के लिए। जब आप एज ए कैप्टन खेलते हो तो आपको इसके अलावा ये आई थिंक 50-50 होता है, आपको अपनी परफॉर्मेंस भी उतनी ज़रूरी है जितनी दूसरों से परफॉर्म करवाना एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है, कि आप दूसरों से उनका बेस्ट कैसे निकलवा सकते हो, तो वो सब चीज़ें सीखने को मिल रही हैं अभी। तो कहीं ऐसी सिचुएशन तो नहीं आती जहां पर आपको एक बल्लेबाज का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कप्तान के लिए, यानी कि कप्तानी का दबाव, कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी बैटिंग में दिख रहा हो? नहीं बिल्कुल नहीं, जब मैं बैटिंग करता हूँ तो मैं एज ए कैप्टन नहीं बैटिंग करता, मैं जब बैटिंग करता हूँ तो आई प्ले एज शुभमन द बैट्समैन, नॉट एज ए कैप्टन। नहीं, ऐसा भी था ना कि जब आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया, इनफैक्ट बड़ी यंग एज में जब आप भारत की टीम में आए, तभी से लोग ये सोचना शुरू कर चुके थे, कई बड़े खिलाड़ियों ने कहा कि आने वाले वक्त में हो सकता है शुभमन में वो लीडरशिप क्वालिटी भी हो। लीडरशिप क्वालिटी आपकी बड़ी ज़रूरी होती है, आप आइडेंटिफाई करते हैं। आज आप आईपीएल की कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है आप हिंदुस्तान की कप्तानी करें। मुझे याद है वो किस्सा जब सौरव गांगुली की कप्तानी गई और राहुल द्रविड़ बने थे, उन्होंने कहा देखिए राहुल की उम्र 31 साल है, लेकिन राहुल के ना यहाँ से बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं। इस तरह की टेंशन वगैरह शुभमन गिल को इस यंग एज में तो नहीं हो रही है? बिल्कुल कोई टेंशन नहीं कप्तानी की, जब आप ऐसी टीम की कप्तानी कर रहे हैं जो 2 साल में 2 फाइनल खेल लिया, तो क्या टेंशन है। अच्छा, मैं वर्ल्ड कप सिलेक्शन की बात करूंगा, क्योंकि शुभमन गिल ने जो पिछले साल बैटिंग की 900 से ज्यादा रन आईपीएल में, इनफैक्ट लोग कहते थे कि यार विराट कोहली का रिकॉर्ड तो टूट ही नहीं सकता, आप उसके भी बड़े पास आ गए। कोई भी अगर कहता कुछ महीने पहले तक, कोई भी कहता कि वर्ल्ड कप की टीम चुनी जा रही है जी, पहला नाम उस पर शुभमन गिल का होता शीट पर। लेकिन क्या आपको आज ये जब चर्चा सुनते हैं आपकी, यार पता नहीं शुभमन गिल टीम में होंगे कि नहीं होंगे, इस जगह के लिए शुभमन का कंपटीशन उस खिलाड़ी के साथ है, आपको अंदर से दुख तो होता होगा, आपको हैरानी तो होती होगी? देखो सर, हर एज अ प्लेयर, हर प्लेयर का ड्रीम रहता है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना वर्ल्ड कप में, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी हमारा जो वनडे का वर्ल्ड कप गया था मेरे लिए, और एक्चुअली जिस तरीके से उसकी शुरुआत होगी, जो पहले डेंगू हो गया था, उसके बाद वापस खेला मैं, और वो जो मेरा एक्सपीरियंस था जो मुझे सीखने को मिला, एक वर्ल्ड कप का एक अलग एक्सपीरियंस होता है स्पेशली इंडिया में, तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो ऑब्वियसली एक ड्रीम है कि एज अ प्लेयर वर्ल्ड कप इंडिया को रिप्रेजेंट, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना है बिगेस्ट स्टेज में, बिगेस्ट T20 टूर्नामेंट फॉर माय कंट्री। और जब मेरी सिलेक्शन की बात आती है, तो अगर आईपीएल में पिछले साल 900 रन करने के बावजूद अगर
टीम में नाम नहीं आता है, तो फिर तो एक ही चीज कह सकता हूँ, मतलब आई विल चेयर फॉर द प्लेयर्स हु मेक इट इनटू द टीम एंड विश देम ऑल द बेस्ट। मेरा तो ये मानना है कि भारत को शायद अपना T20 का फॉर्मूला चेंज करना चाहिए था, और वो जो फॉर्मूला बदलने की कवायद शायद आपकी बैटिंग से शुरू हुई थी लास्ट ईयर में। इनफैक्ट अब किसी से भी अगर बात करते हर कोई यही कहता यार T20 में पहला नाम आप शुभमन गिल का लिखिए। अभी सर ऑनेस्टली मैं इतना सोच नहीं रहा हूँ कि मेरा नाम होगा नहीं होगा। अगर मुझे इस टीम को लीड करने का एक रोल दिया गया, अगर मैं इस समय उस चीज के बारे में सोचूंगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं जस्टिस कर रहा हूँ जो मुझे रोल दिया गया है। स्पेशली इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत है मेरी टीम को, मेरे प्लेयर्स को। अगर मैं उनको ना टाइम देकर ये सोच रहा हूँ कि यार मैं अभी क्या करूं, हो सकता है मेरा T20 वर्ल्ड कप में नाम ना आए, या फिर कैसे मैं अपने रन्स के बारे में सोच रहा हूँ कि मुझे अपने रन्स करने हैं, मुझे T20 वर्ल्ड कप में आना है, तो फिर जो मुझे रोल दिया गया मैं उसको बखूबी नहीं निभा रहा हूँ। अब चूंकि गुजरात टाइटंस को 5 मैच में से कम 4 जीतने होंगे आगे जाने के लिए, क्लोज मैच आप जीते हैं, क्लोज मैच आप हारे भी हैं, आपने अपनी टीम के बारे में कहा है कि मिरेकल्स करती है, लेकिन सुमन क्या इस तरह के एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं कि जहां जहां आप और बेहतर कर सकते हैं? सर जब जब भी हम डिस्कशन करते हैं टीम के बारे में, तो हम ये डिस्कशन नहीं करते ये कि हमको ये नहीं करना, हमारी डिस्कशन होती है कि और बेहतर क्या कर सकते अच्छा। हैं। पिछले 2 मैचेस में जिस तरीके से हम खेले हैं, पिछला मैच 3 रन से हारे हैं, 225 चेस कर रहे थे, मुझे 1% भी दुख नहीं था हारने का। आई थिंक जो लास्ट मैच हम खेले हैं उसमें मैं ज्यादा खुश था जो हम उससे पिछला मैच जो जीते हैं पंजाब के अगेंस्ट। वेरी गुड, मतलब आपको लग रहा है कि जो लड़ाई का जज्बा आपकी टीम ने दिखाया दैट इज व्हाट यू विल टेक टू द नेक्स्ट गेम, चेजिंग 225, मैं 6 रन पे आउट हो गया, ठीक है, और जिस तरीके से हमने बहुत से बार ऐसा होता है जब इतना बड़ा चेज टोटल चेज करे तो और एक विकेट जल्दी गिर जाती है तो बहुत सारी टीमें फोल्ड हो जाती हैं, बट हैविंग प्लेड द वे वी प्लेड आई एम वेरी हैप्पी वेयर वी आर एज अ टीम एट द मोमेंट। मेरे लिए और एक क्रिकेट खेलने का तरीका, क्योंकि मार्जिन बहुत कम है जी, एज अ कैप्टन 2 पॉइंट मैटर नहीं करते मेरे लिए, हम किस तरीके से खेल रहे हैं, क्योंकि 2 पॉइंट तो अच्छा खेल रहे हैं तो आ ही जाएंगे, दैट्स जस्ट बाय प्रोडक्ट, बट हम किस तरीके से खेल रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। आई नो, बिल्कुल सही बात है, आपको जब क्लोज मैच आप लड़ाई का जज्बा दिखाते हैं तो एक आपकी टीम के लिए बेहतर भी होता है और दूसरा ये भी होता है कि आपको सीखने के लिए भी मिलता है, लेकिन सुमन वो 2 पॉइंट तो इंपॉर्टेंट होते हैं ना। खैर चूंकि आपकी टीम ने इससे पहले भी किया है, आई एम श्योर आप की टीम दोबारा भी कर सकती है, क्योंकि T20 बड़ा तेजी से बदला है, T20 इतना तेजी से बदला। इनफैक्ट आप देखें 21 और 22 का वर्ल्ड कप जब इंडिया हारा तो ऐसा लग रहा था कि यार क्या इंडिया वो पेस के साथ यूज टू नहीं है। इस IPL में ही आप देखें, मतलब बदल गई है क्रिकेट, लोग 300-300 भी बनाने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि अब वाकई T20 का जो बार है वो ऊपर चला गया है? बिल्कुल बदल गई है, आई थिंक पिछले 3-4 साल में काफी ज्यादा बदल गई है, और जिस इंटेंसिटी से ये खेली जाती है, ऐसा नहीं है कि पहले 200 रन नहीं बनते थे, 220 रन नहीं बनते थे, पहले भी बनते थे, बट जब बनते थे वो दोबारा बनने के चेज होने के चांसेस जो हम बोलते हैं वो उतने नहीं होते थे, अभी जो बनते हैं बट दोबारा भी बनने के चांस उतने होते हैं। नहीं, लोग तो बात कर रहे हैं जी 300 बनाने हैं, क्या गुजरात हो सकती है वो टीम जो 300 बना दे पहली बार? बिल्कुल कर रही है, देखो जिस तरीके से अभी मैचेस चल रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, अगर 300 रन भी इस IPL में आपको देखने में मिले बिल्कुल मार सकते हैं, हम भी मार सकते हैं, क्यों नहीं मारेंगे। अच्छा सुमन, क्या होता है ना कि इंसान अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करता है, अपने परिवार के साथ करता है, अपने दोस्तों के साथ करता है, टीममेट्स के साथ करता है, लेकिन शायद आप किसी और की सक्सेस में भी उतना ही इंजॉय कर रहे होंगे। मैं अभिषेक की बात कर रहा हूँ, आप लोग दोनों पंजाब से एक साथ खेले,
बचपन से क्रिकेट खेलते आए, इंडिया अंडर 19 खेली, आज देखिए अभिषेक जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, युवराज सिंह के दोनों जो सो कॉल्ड चेले हैं शुभमन और अभिषेक, दोनों ने आग लगाई हुई है। आई थिंक सर इसी साल नहीं, पिछले दो साल से वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं कि यार ये लड़का कहाँ से आ गया, बट मेरे लिए कोई ऐसे शॉकिंग जैसे वो खेल रहा है वो कोई शॉकिंग बात नहीं है, वो इट वॉज ऑलवेज इन हिम और इस सीजन जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है वो मेरे लिए कोई शॉकिंग या सरप्राइजिंग चीज नहीं है, ही ऑलवेज हैड द कैपेबिलिटी और पिछले दो साल भी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इंपैक्ट प्लेयर रूल को आप कैसे देखते हैं? गेंदबाज अब आकर खुलेआम कह रहे हैं कि यार इतनी पिटाई मत करवाओ, और कई कप्तानों ने आकर भी बोला है कि यार इंपैक्ट प्लेयर रूल चूंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं है तो यहां पर वो शायद लिमिट कर रहा है खेल को। सर बिकॉज इंटरनेशनल क्रिकेट में ये रूल, देखो पहले बेसिकली इंपैक्ट प्लेयर क्या है कि आप 12 लोगों का मैच खेल रहे हो, 11 लोग का मैच नहीं है, विकेटें 10 है खोने के लिए मगर प्लेयर 12 है, ये 12v12 गेम हो गया है। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बट इज इट बेनिफिशियल, वो उस पर क्वेश्चन मार्क है। इंटरेस्टिंग फॉर श्योर, बेनिफिशियल नॉट श्योर कि बेनिफिशियल है या नहीं है फॉर द गेम फॉर द प्लेयर्स। चलिए शुभमन, अगला एक हफ्ता वर्ल्ड कप सिलेक्शन, उसके बाद गुजरात की परफॉर्मेंस, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जब आपसे मुलाकात हो तो चेहरे पर इससे थोड़ी सी ज्यादा मुस्कुराहट हो, वर्ल्ड कप की टीम में आपका नाम हो, उधर से गुजरात आपकी टीम अच्छा कर रही हो। सर अगर नहीं भी होगा तो भी मुस्कुराहट रहेगी। नहीं, मैं चाहता हूँ कि मुस्कुराहट थोड़ी और ज्यादा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभमन, और आपकी टीम को, गुजरात को, और साथ ही साथ आपको भी अच्छा खेलने के लिए मुबारकबाद और बेस्ट विशेस फॉर द वर्ल्ड कप सिलेक्शन। थैंक यू। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप्ट।